सीधे आपको लाइव ले चलते हैं वाराणसी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और इसी क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, यहीं के आपके प्रतिनिधि और योगी जी सरकार में मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी, देश विदेश से पधारे सभी साधक व श्रद्धालुगण, भाइयों और बहनों, उपस्थित सभी साथियों, काशी की ऊर्जा अक्षुण तो है ही, ये नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अट्ठावनवां वार्षिकोत्सव, स्वतंत्रता आंदोलन में सदगुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सदगुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज
5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में, इतने बड़े सह योगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सदगुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं। और आज जो एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों के संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी, असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया, जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है, नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साथियों, भविष्य के भारत को सुदृढ़ करने के लिए
अपनी परंपराओं अपने ज्ञान दर्शन का विस्तार आज समय की मांग है। इस सिद्धि के लिए काशी जैसे हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहज कर रखा है। जहां बीज होता है वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है, और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाई और बहनों, आज आप लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, आप अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से आए हैं, आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं कितना कुछ लेकर आए हैं। आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव कितना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिन भी याद करिए जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है ये अच्छी तरह से समझते हैं। यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है।